नमस्कार। भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर बिरोल एरिया कमेटी के द्वारा सीएससी बिरोल पर प्रदर्शन किया गया। एरिया सचिव मनोज यादव के नेतृत्व में किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू करने, बिरोल अस्पताल के कैंपस में जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने, कैंपस की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने सहित अस्पताल के अव्यवस्था के खिलाफ सरकार विरोधी नारा लगा रहे थे। मौके पर सभा आयोजित किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए एरिया सचिव मनोज यादव ने कहा कि भाजपा जदयू की शासन काल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन सुशासन बाबू अस्पताल की स्थिति सुधारने के बजाय भाषण के जरिए काम चला रहे हैं। कोरोना महामारी ने सरकार के भाषण और हकीकत को सामने लाकर रख दिया है। उप स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया, लेकिन डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर तो है, वहाँ दवाई नहीं है, जिसके खिलाफ यह प्रदर्शन आयोजित करते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। श्री यादव ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले ऑक्सीजन युक्त बेड, दवाई और डॉक्टर नर्स सहित एएनएम का बहाली कर सभी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र ने समुचित व्यवस्था नहीं किया गया तो भाकपा माले सरकार और लापरवाह अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी के खिलाफ जन आंदोलन तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में छेदी दास, सैनी राम, मंजू देवी, आशा देवी, सेविया देवी। देखिए, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, भाकपा माले के द्वारा पूरे राज्य में राज्यव्यापी आह्वान पर यह कार्यक्रम प्रत्येक अस्पताल पर आयोजित, हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अस्पताल में बुनियादी व्यवस्था भी बहाल नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई है, जिसमें हम लोगों ने देखा है अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से नंगा करके रख दिया गया है। उसमें हमने देखा कि मामूली बीमारी और उपचार के लिए जो दवाई होना चाहिए वो व्यवस्था अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि तमाम स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो मृत पड़ा हुआ है, उसे चालू किया जाए। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स, एएनएम सहित एम्बुलेंस का व्यवस्था हो, दवाई का व्यवस्था हो, और खास करके अभी हम जिस जगह प्रदर्शन कर रहे हैं बिरौल सीएससी में, आप भी देख रहे हैं कि पूरे ये कैंपस सदियों पहले से अतिक्रमण के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन आज तक यह भूमि, अस्पताल की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया गया है। हमने अस्पताल के प्रतिनिधियों से मिलकर बातचीत की। इस अस्पताल में जो महिला कर्मी हैं, यहाँ के बाउंड्री वाल नहीं होने के वजह से यहाँ के महिला कर्मी असहज महसूस कर रही है। हम लोग अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से और स्थानीय प्रतिनिधि से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बिरौल सीएससी के कैंपस से जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई रहती है, इसका निकासी हो और इस कैंपस का बाउंड्री वाल हो। कार्रवाई नहीं करती है तो भाकपा माले अनवरत तरीका से आंदोलन चलाएगी। जब तक यहाँ के भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाया जाता है, बाउंड्री वाल नहीं करवाई जाती है और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है, तब तक हमारा ये आंदोलन अब से जारी है। मेरा नाम मनोज यादव है, भाकपा माले, बिरौल एरिया सचिव।